आज अल्लाह ताला ने आप लोगों का खिदमत करने के लिए मेरे को आपके सामने लिखे हैं। ये आपके पैसों की स्ट्रीट लाइट है, किसी की जागीर नहीं, गवर्नमेंट फ्री नहीं देती आपको, फिर आपके पैसों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? तो सही निबंधन बुलाइए ना। अगर आप लोग दुआएं के साथ, वोट के साथ मेरे माँ को अगर जिताएंगे, ये एरिया का कारपोरेटर आपका मेयर रहेगा सब। ये मेरी और आपका प्रेस्टीज है, इज्जत का सवाल है कि उनको यहाँ से जिताना। जितने भी लोग आएंगे, पैसों से आदमी के दिल को खरीदा नहीं जा सकता है। अब पिछले वाले आए नहीं, दिखे नहीं, वो नहीं, आपको मेयर से बस होना। अरे अरे यार, तू जा तो जा बोल के आप बोलना है, वो टाइम मैं लेके आता हूँ। तो हमको पूछिए आगे, हमारा नंबर लीजिए, फ़ोन नंबर लिया, डायरेक्ट आप कैंडिडेट का नुमाइंदे का नंबर लीजिए। आप हमारे कोई दीवार नहीं बनेंगे आपके, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, कोई गुत्तेदारी नहीं, हमारे को डेवलप से मतलब है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सब, वादा करता हूँ आपके कदमों पर मैं चलता हूँ। एक हमदर्दी गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की दर्द रखता है, वैसे शख्स का वोट दीजिए, वो शख्स जनाब किशन रेड्डी साहब है। दिल की बात कर रहे हूँ, आगे करने की तैयारत रखते हुए बात कर रहे हैं। मैंने देखा इससे पहले जो थे यहाँ के कॉर्पोरेटर, कभी घर छोड़ के आके गली में किसी के बारे में नहीं पूछा। वो शख्स क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, बोले फंडा ले रहे हैं, एमपी एमएलए का फंडा ले रहे हैं, घर में बैठ को कारांग बिल्डिंगा बनाते बैठे साहब, ये डेवलप ही नहीं हो रहा ये एरिया। देखो आप डेवलप, अब इस इलेक्शन में हम अगर आपको ला लेंगे ना, हम तो उन्होंने वायदा किया हम सबके सामने, अल्लाह सुन लिया है, इसको उन्हें कायम रहेंगे, उन्हें कायम रहेंगे, और हम उनको मोहब्बत खुल के साथ उनको मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे हम। सब ये काम कराना, वो काम कराना, सब यहाँ पे आओ, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ से हो रहा। अरे इलेक्शन के हद तक ही जो है ना वोट डालने के हद तक ही बेकार बात है, उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो हमको मालूम होना कि इस जगह पे आके रेड्डी साहब जो है ना इलेक्शन के तहत हमारे को बोल के समझा के गए हैं, वो वैसा ही चल रहे हैं, उन्होंने वैसा ही चल रहे हैं, उन्होंने पूछ रहे हैं हमारे को क्या करना चाहिए, क्या काम करना, बोलो भाई हम तैयार हैं, आप हमको वोट डाले हैं। हाँ, नहीं डाले तो वाले को भी बात करते, डाले सालों को भी बात करते, लेकिन वोट कौन डाले बोल के किसी को मालूम नहीं पड़ता। तुम कुछ मालूम हो, अल्लाह कुछ मालूम हो, मगर उन्होंने कहने का मकसद ये है कि हम इस डेवलप करने वाले हैं ये एरिया, वो एरिया को डेवलप करके रहेंगे। अब हमारे को भी एक मौका दे दो, हम जो काम करके बताते हैं नहीं बताते, इंशाल्लाह बराबर काम करके बताते हैं उनको, बोल रहे हैं अब उसके बारे में हम खुशी से जो ना उनका काम हम देखना चाह रहे हैं, उनका काम खुशी से देखना चाह रहे हैं, बोले तो उनको वोट डालना, वोट डालना। और ये सबके लिए भला है, ये हम सबके लिए अच्छा है, ये एरिया जो है ना डेवलप हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर घर घर को जाकर हमारे हमारे लोगों को, फैमिली मेम्बरों को, रिश्तेदारों को, दोस्त है बाबा, एक एक आदमी को 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 आदमी को मिल के कर सब लोग कोशिश करें तो जो ना मैक्सिमम वोट गिर जाते हैं यहाँ पे। और ये जेडीएस बराबर रहेंगे यहाँ पे, मैं उम्मीद है मेरे को बराबर रहेंगे, जेडीएस कैंडिडेट बराबर रहेंगे, ये हमको उम्मीद है। रेड्डी साहब को जो है ना, रेड्डी साहब का ख्याल करो, और उन्होंने कहे सो बात बिल्कुल सही है, सबको खुशी की बात है, उन्होंने करने काम करने वाले भी हैं, अल्लाह उनको ताकत कुव्वत दिमाग दिया है उनको काम करने के वास्ते, ये अहम बात है, कुव्वत ताकत दिमाग दिया है अल्लाह ताला उनको, हमको यही होना है। हमको क्या खाली फैशन पे आके वोट लेके जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास काम करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, अब उसको हम देखना है आगे इंशाल्लाह उन्होंने बहुत डेवलप करेंगे, और आगे बिल पॉलिटिक्स में जो है ना टॉप प्रायोरिटी पर जाएंगे, उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर जाएंगे, जो है जेडीएससी चाहेगा गवर्नमेंट, पक्की गवर्नमेंट जेडीएससी बनेंगे, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं कर सकता, बहन मत से मिल गए उनको वोट डाल देना, बस आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का खिदमत करने के लिए आया हूँ। जेडीएस पार्टी से मैं 14 साल जुड़ के सोशल वर्क में मैं बहुत आगे रहा हूँ। आज अल्लाह ताला ने आप लोगों का खिदमत करने के लिए मेरे को आपके सामने लिखे हैं। हम सेकुलर माइंड से रहने वाले फैमिली से हैं, हमारे पास जात नहीं पात नहीं, सब हमारे भाई, सब हमारे माँ और बहनों। मेरे वालदा जो है
वो रमजान के रोजे भी फॉलो करते सब। आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद जो है हमारा, आज कई लोग बोले अरे रेड्डी साहब आप क्यों कॉर्पोरेशन को आ रहे हैं, हमको एक मौका मिला है आप लोगों का खिदमत करने। 20 साल आप कांग्रेस को हुकूमत यहाँ से दिए सब, 20 साल कांग्रेस को हुकूमत देने के बाद में आपका एरिया क्या लेवल पे डेवलप होना था, क्या लेवल पे अभी हो चुका है सब। अभी एक मौका आया है आपके बीच, एक हिंदू भाई आया है, मैं आपसे एक ही मौका मांग रहा हूँ कि मैं 5 साल खिदमत करूँगा, एक मौका आप देना है सब मेरे को। कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, बीजेपी का भी कैंडिडेट यहाँ से है, MIM का कैंडिडेट भी यहाँ से है सब। साहब मैं 15 दिन से यहाँ पे फिर रहा हूँ, मेरे पूरे भाई लोग मेरा साथ दे रहे। मैं जिस दिन ठहरना बोल के अगर डिसाइड हुआ था हम लोगों का, मैं अकेला आपके एरिया में आया था सब। आज मेरे साथ 200-300 लोग भाई लोग मेरे साथ में है साहब। जबकि मैं 50 लोग को लेके आ सकता था बाहर से, मैं बोला हूँ यहाँ पे आवाम का खिदमत करने जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ की आवाम चाहिए मगर बाहर वाले नहीं चाहिए बोल के मैं जुड़ा हूँ साहब। आज बहुत सारे हमारे समद भाई हैं, बहुत सारे सलीम भाई, ये पूरे भाई हमको बहुत साथ दे रहे हैं। आप लोग हमको सपोर्ट करके यहाँ से जिता के भेजेंगे बोल के एक हमको बहुत बड़ा आपके ऊपर एक ताकत दिख रहा है सब। मैं तमाम लोगों के घर गया हूँ, मेरे वालदा भी ले आए थे, मेरे वालदा एक बात बोले, बेटा अगर हम हार या जीत सियासत तो रहता ही है, मगर वहाँ का जो आवाम, जो माँ और बहनों मेरे वालदा से जो बात की है, वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तू पार्टी में एक स्टेट का यूथ वाइस प्रेसिडेंट है, अगर इंशाल्लाह अगर हम हारेंगे तो भी आवाम की खिदमत करना बोल के बोला, ये मेरा वालदा का कहना है सर। उसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के एक वोट मांगता हूँ मेरे माँ के लिए, एक बेटा हो के माँ के लिए क्या कर सकता है वो साबित करना है। वो मेरी माँ ने, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सारे बेटों के सारे भाइयों के अगर ताकत लग गए तो मेरी माँ को यहाँ से हम जिता सकते हैं। तो साहब एक बार मौका आप देंगे तो इंशाल्लाह आज कॉर्पोरेशन का कैटेगरी जो है मेयर का BCB लेडी कैटेगरी आया सब, अगर यहाँ से मेरी माँ अगर जीतेंगे तो मैं मेयर के लिए भी जो ताकत लगता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। कॉर्पोरेशन में सब हमारा JDS आज के डेट में हुकूमत में आ रहा है, कई लीडर हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के एक्स मेयर, डिप्टी मेयर, ये लोगों को टिकट दिया ना गया, हमारे पार्टी से जुड़े, अभी हमारे पार्टी से कैंडिडेट बने। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कॉर्पोरेशन में हुकूमत रहेंगे। अगर आप लोग दुआएं के साथ, वोट के साथ मेरे माँ को अगर जिताएंगे, ये एरिया का कॉर्पोरेटर आपका मेयर रहेगा सब, वो जो भी ताकतें लगाएंगे। और इस बार तो 100% मेयर बनने का पक्का है इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। तो मेरे को ये कुरान पे, अल्लाह पे बहुत विश्वास है कि हम लोगों का हाथ नहीं छोड़ते बोल के हम दिल साफ रख के आपके बीच आए। आपको भी दिल से हमको वोट देना है, एक बार डिसाइड कर लो सब। आप हमको डिसाइड कर लिए तो आप दिल चाहे तो हम जीत जाएंगे, आप लोग डिसाइड करें तो। अभी अंकल बोल रहे थे मेरे को बाजू बिठा के, हम अगर कदमों पे चले तो पूरे हमारे हीरे वाले हमारे कदमों पे चलते बोल के बोले। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सब, वादा करता हूँ आपके कदमों पे मैं चलता हूँ, आप एक बार मौका दो हमको। अभी 8 दिन इलेक्शन है, आपके बीच बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, आजमाओ आप सब कैंडिडेट्स। 8 दिन के बाद फैसला आपको लेना है, या कृष्णा रेड्डी के वालदा को जिताना है क्या दूसरे कैंडिडेट को जिताना है बोल के आप फैसला करना है सर। 3 तारीख को वोटिंग है,
6 तारीख को रिजल्ट है। आप लोग अगर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह 6 तारीख को मैं आपके बीच आऊँगा। 7 तारीख को जो वार्ड नंबर 16 का जो भी मसले जो हल करना है, मैं इंशाल्लाह यहाँ पे ऑफिस भी खोलने के लिए प्लान कर रहा हूँ सब। अगर आप लोग मेरे को अगर दावत देंगे तो मैं एरिया में घर भी बनाने के लिए सोच रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रहना सोच रहा हूँ। आपको ऐसा लगना कि अरे भाई ये कारपेंटर क्या बस करा भाई बोल के, वो टाइम मैं लेके आना बोल रहा हूँ। कारपेंटर बार बार आना बोलते, आप पिछले वाले आए नहीं, दिखे नहीं, वो नहीं, आपको मेरे से बस होना। अरे यार तू जा तो जा बोल के आप बोलना है, वो टाइम मैं लेके आता हूँ। आपको मैं हाथ जोड़ के मैं वोट मांग रहा हूँ सब, एक बार हमको मौका दो, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं पूरा काम करके दूँ। अभी खाली इतना मतलब कि वोट डाले और चले गए नाले और लाइट के है, इससे हटकर भी बहुत सारे काम है, एजुकेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है, और जो है आपका जो स्कीम सेंट्रल स्टेट से जो स्टेट को दी जाती है, एक वाकई काबिलियत रखने वाला कारपोरेटर अगर गौर फिक्र करा, अगर ला जानता है, उसके रूल्स रेगुलेशन जानता है, तो आपके नौजवान तक पहुंचा सकता है। तो उसी कैंडिडेट दीजिए, और जितने आपको एक वादा कर चुके हैं लोग, पिछले हुकूमतें भी और कारपोरेटर वादा कर चुके हैं, ये पहला नुमाइंदा है जो हम भी पहली नुमाइंदे के साथ आपके साथ आए हैं, पहली मरतबा वादा कर रहे हैं आपके साथ, और पहली मरतबा मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए आप। ये कैंडिडेट हमारा नहीं है, हमारा आपका सबका कैंडिडेट है, या ये कैंडिडेट अकेला नहीं ठहरा है, बल्कि आप अपना कारपोरेटर ठहरे समझ कर आप वोट दीजिए, उस हक का जो है इस्तेमाल कीजिए, इस्तेसाल होने मत दीजिए, क्योंकि हमारा वक्त बर्बाद हो चुका है, काम नहीं हुआ है, और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए आपके सामने मुशाहदा है, आप रोज़मर्रा उनको देखते हैं। आईन इलेक्शन आते ही जो है वो मेंढक जैसा बाहर निकलते पानी में से निकल के आ गए, लेकिन उन्होंने 14-15 साल से खिदमत अंजाम देते रहे हैं, और एक एस्पिरेंट कैंडिडेट है साउथ में जो है एक MLA को लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने देखा 15 दिन से यहाँ सर्वे कर रहे थे, इतनी बुरी हालत हो गई है, यहाँ पर 3-4 कारपोरेटर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी डेवलप नहीं हुआ है, कोई फंड इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ MLA MPA में हो गया है, तो एक बजट का एक बजट डाल दिए हैं, कारपोरेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, आपका अपना पैसा टैक्स है, वो नोजल भर रहे हैं टैक्स भर रहे हैं, वाटर का भी टैक्स दे रहे हैं आप, ये आपके पैसों की स्ट्रीट लाइट है, किसी की जागीर नहीं, गवर्नमेंट फ्री नहीं देती आपको, फिर आपके पैसों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप, तो सही नहीं मानने को लाइए ना आप, जिसमें मैं भी हूँ आप भी है। वाटर के जो पैसे भर रहे हैं हम 175 भर रहे हैं, नहीं भर रहे, पानी गंदा आते भी दे रहे हैं हम, आवाज़ नहीं उठा रहे, वो टाकी देखिए जाके आप, पूरा खुले हुआ है, पूरा पानी सप्लाई हो रहा है सोनिया गांधी के तक, ये कारपोरेटर का काम था ना, उसकी जिम्मेदारी थी, जो मसाल आते हैं महीने में कोई हादसा है या पुलिस केस है या और जो भी कोई 19 के बारे में है, कारपोरेटर आपके घर तक कितने बार पहुंचा है बताइए, ये शख्स कारपोरेटर ना रहते हुए भी ये महल्ले की फिक्र किया है, हमारे आपकी फिक्र किया है, 30-50 बेड जो है उन्होंने दिलाए हैं, कई से जो है ये सिलेंडर दिलाए हैं, हम मुशाहदा करने के बाद उनका साथ दिए, जैसा हमारे जो है जहांगीर खान साहब हैं, अदनान खान साहब हैं, और 2-3 के मसाजिद के कमेटीज़ हैं, उनसे मशवरा करके हमसे इनसे कॉन्टेक्ट किए हैं, इन्होंने खुद हो के नहीं है, हमारे इसरार पर उन्होंने कदम रखा है, यह मेरी और आपका प्रेस्टीज है, इज्जत का सवाल है कि उनको यहाँ से चिताना, जितने भी लोग आंधे पैसों से आदमी के दिल को खरीदा नहीं जा सकता है, उनके नीयतों को देखो आप, उनकी नीयत है आपको पैसा खर्च करेंगे, फिर इलेक्शन जिंदा रहेंगे, फिर 5 साल तक आपको चारा नजर नहीं आएगा, साहब नहीं सो गए हैं, बाहर गए वहाँ गए, यही बोलते रहेंगे आपको, आप क्या भी नहीं कर सकते उसका, उन कारपोरेटर बन गए कि उसके कारपोरेटर की अहमियत नहीं मालूम है इसको, लेकिन जो जिसको मालूम है वो वाकई में एक हमदर्दी गरीबों की, यतीमों की, मिसकिनों की दर्द रखता है, वैसे शख्स को वोट दीजिए, वो शख्स जनाब कृष्णा रेड्डी साहब है, हमने देखा है 16 दिन फिर के साथ इनकी खिदमत को सराहा है, और आपकी तमाम की मौजूदगी ये एहसास दिलाती है कि वाकई इनका साथ देंगे आप, ज़रूर साथ देंगे। मैं चाहे कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप पोलिंग के दिन इत्तेहाद के सबूत दीजिए, कोई भी क्या ही भड़का दे, नहीं भड़की है, यकीन मानिए आपका बोर में हम लोग गवाह हैं, वादा करते हैं, अदनान खान साहब, जाहिरीन खान साहब, सैयद मयूब पाशा, ये 20 की टीम है हमारी, हम आपसे वादा करते हैं, जहाँ हफीज़ साहब भी है हमारे जो है इन्हों भी हैं, वो अगर नहीं बोले तो हमको पूछिए आगे, हमारा नंबर लीजिए, फ़ोन नंबर लिया, डायरेक्ट आप कैंडिडेट का नुमाइंदे का नंबर लीजिए आप, हमारे कोई दीवार नहीं बनेंगे आपके, हम ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, कोई गुत्तेदारी नहीं, हमारे को डेवलप से मतलब है, ये खाली नाला रोड से नहीं, लेकिन दूसरे जो स्कीम आते हैं वो बहुत बेनिफिट है आपके लिए, कितने बच्चे जो है अनएम्प्लॉय हैं,
कितने बच्चे डिग्री होल्डर है, कितने टेक्निकल है, कितने नॉन टेक्निकल है, कितने टीचिंग है, जितने अन टीचिंग है, वो लोगों की बच्चों की सलाह आते हैं होटलों में घुटकों में जा रही है, उनको ये लगाएंगे। एक लाइब्रेरी से लिए सेंट्रल तो चार बच्चे गवर्नमेंट स्टूडेंट बनेंगे आपके। आपके एरिया में एक लाइब्रेरी देंगे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा आपको। 6 से 10 लैंग्वेज आप सीखेंगे। आप एक मामूली बता रहा हूँ, ऐसे 5,000 इसकी माता है, आपका कार्पोरेटर ये कराए नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। हमको एक बार वोट दीजिए, आप एक बार हम पर भरोसा करो तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके जो मुतालबे को जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं और एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ, मोहतरमा श्रीमती विजय साहबा को आप जो है भारी अक्सर से कामयाब करके जो है अब सिटी कॉर्पोरेशन भेजिए और अपने मसला का हल कीजिए।